Hello guys, welcome on my YouTube channel. So today we will discuss about the most important topic of any TAT exam. हर टैट में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे. तो अगर आप इसे इजिली सीखना चाहते हैं, बेसिक से आप इसको जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. जीन प्याजेट का साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ चाइल्ड पेडागोजी. ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें आपको क्वेश्चन ना देखने को मिले. इन्होंने दो डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एक मोरल डेवलपमेंट. तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे. तो सी जो जीन प्याजेट है उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड पेडागोजी. फादर ऑफ चाइल्ड पेडागोजी किसे माना जाता है, जीन प्याजेट को. अब इनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनको दो अदर नेम से भी जाना जाता है, जिसमें है स्टेज डेवलपमेंटल थ्योरी एंड स्टेज थ्योरी भी इसे बोला जाता है, और डेवलपमेंटल थ्योरी भी इस थ्योरी को बोला जाता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टेज और डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है. तो जीन प्याजेट जी ने क्या किया, जो उन्होंने सारे ये डेवलपमेंट के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो अपने खुद के बच्चों पे किए, ताकि वो जान सके कि किस किस एज में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है. तो उन्होंने इस जैसे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो है उन्होंने चार स्टेजेस दी कि इन स्टेजेस में किस किस स्टेज में कितना कितना डेवलपमेंट होता है. तो जो प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो चार स्टेजेस में डिवाइडेड है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल स्टेज. तो फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज लिमिटेशन है 0 to 6 years. ये सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो 6 sub parts में डिवाइड है. जो सिर्फ सेंसरी मोटर स्टेज है वही 6 parts में डिवाइड है. आगे है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 7 years तक है, एंड नेक्स्ट वन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष है, और एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल स्टेज ये 11 से 15 वर्ष तक की है. तो फर्स्ट जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें बच्चों का विकास किस तरीके से होता है, किस हद तक होता है, वो क्या क्या सीखते हैं, इस स्टेज में वो बताया गया है. उसके बाद 2 से 7 वर्ष का जो बालक है वो कितना, उसके अंदर कितना विकास हो पाता है, वो क्या क्या चीजें कर पाता है और किन किन चीजों को ग्रहण कर पाता है, वो आपको इस स्टेज में देखने को मिलेगा. और थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक के बालक है वो कहाँ तक कितनी चीजों को सीख पाते हैं और उनके अंदर क्या विकास होता है, आपको इस स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा. और जो लास्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड फॉर्मल स्टेज 11 to 15, इसकी एज लिमिटेशन है. इसके अंदर भी यही कि जो 11 से 15 वर्ष का जो बालक होगा या बालिका होगी तो उसके अंदर आपको क्या विकास देखने को मिलेगा, ये आपको इस स्टेज के अंदर पता चलेगा. इसको करने का बड़ा ही इजी मेथड है. मैं आपको आप आज सेंसरी मोटर स्टेज कराऊंगी, उसके बाद कल मैं आपको ये 3 जो स्टेजेस हैं वो डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये 3 स्टेजेस के आगे सब पार्ट्स नहीं है, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है, ओके. तो यस, जो फर्स्ट स्टेज है जीन प्याजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, विच इज सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज लिमिटेशन 0 to 2 years है, इस स्टेज में जो आपको बच्चे के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आज मैं आपको वो बताऊंगी क्या क्या है. देखिए सबसे पहले स्कीमा स्टेज, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है स्कीमा क्या होता है. स्कीमा क्या होता है, जैसे एक बच्चे को आप ये कह रहे हो एक कैट दिखा के कि बेटे देखो ये एक कैट है, तो उस बच्चे के अंदर कैट का जो स्कीमा क्या होगा कि इसकी 4 टांगे हैं, तो जो भी 4 टांगों वाला है वो एक कैट है. तो बच्चे ने टांगों को देख के ये स्कीमा बना लिया कि जो भी 4 टांगों वाला कोई भी उसको दिखेगा तो वो ये सोचेगा कि ये कैट है. ठीक है, तो इसे हम स्कीमा बोलते हैं. तो बच्चा एक स्कीमा इसमें डेवलप कर देता है. आपने कभी देखा होगा 0 to 2 years छोटा बच्चा देखा होगा, आपने कभी उस बच्चे को दिखाया होगा कि देखो बेटा वो काऊ है, तो आप ये देखना वो 4 टांगों वाले उससे मिलता जुलता और भी कुछ देखेगा ना, तो वो उसको भी काऊ बोलेगा. तो क्यों बोलेगा, क्योंकि उसके जो दिमाग में एक स्कीमा फिट हो गया कि जो ये 4 टांगों वाला कोई भी एनिमल है वो तो काऊ ही है. ठीक है, और सेकंड क्या है, लर्न फ्रॉम सेंस ऑर्गन. जैसे स्टेज का नाम ही है सेंसरी,
यानी सेंसेस से, हम सेंसेस से सीखते हैं। तो बच्चा भी किससे सीखता है? सेंस ऑर्गन से। आप जैसे बच्चों को ऐसे ऐसे क्लैपिंग करना सिखाते हो तो वो अपनी आंखों से देखता है उस चीज को कि ये कैसे हो रहा है, तो वो भी इसी तरह से करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड है लर्निंग बाय फॉलो। जैसे आप बच्चे को कहते हो बेटा, आप जैसे 2 साल तक का बच्चा, आप बच्चे को सिखाते हो, आप अपने घर में भी बच्चा जय करो जय, आप उसको ऐसे करके दिखाते हो तो वो भी जय करता है सिंपली। तो ये वही चीज है कि लर्निंग जो इसमें होती है वो बाय फॉलोइंग होती है, वो जैसे आप उसे बोलोगे करने को वो वैसे ही करेगा। थर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंसी। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इस जो स्टेज में है, आप ना एक इमेजिन कर लो 2 साल तक का बच्चा, ठीक है? आप क्या करो, 2 साल तक के बच्चे के पास एक खिलौना है, आप उसको कहो मुझे दे दो, वो देगा नहीं। क्यों? उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप हो सकती है, उसे लगता है कि जो चीज मेरे पास है वो मेरी है, वो किसी की नहीं है, तो वो आपको नहीं देगा। आप कभी देखना कोई खाने की चीज हो बच्चे के पास, आप उससे मांग के देखो, वो देगा नहीं, वो ऐसे हाथ हटाएगा, ठीक है? तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है? उसको सिर्फ अपने खेलने खाने पीने से मतलब है, उसे और किसी एक्टिविटी से मतलब नहीं है। अगर उसे खाना चाहिए तो बस उसे खाने से मतलब है, ठीक है ना? लिटल मेमोरी डेवलप। अब लिटल मेमोरी कैसे? उसे ये पता चल जाता है, अब वो घर में रह रहा है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये जो घर में जो लोग रह रहे हैं वो मेरे हैं, ये मेरे मम्मा है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दादा दादी। तो थोड़ी थोड़ी जो उसके अंदर लिटल एक मेमोरी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, यस। तो मैंने आपको पहले जो है सेंसरी मोटर स्टेज कराई थी, वो 6 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है, बट उन 6 सब स्टेजेस में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास कुछ इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, और उसमें से कभी क्वेश्चन रेयरली ही आता है। तो आज मैं आपको 2nd स्टेज इसकी कराने जा रही हूँ, विच इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो एज लिमिटेशन है 2 to 7 years है। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। कॉग्निटिव यानी जो भी आपके दिमाग से संबंधित है। अगर आप दिमाग से संबंधित आपका कोई भी कार्य है जिसमें आप दिमाग यूज करते हो तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है? वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, जो जीन प्याजे हैं उनकी स्टेजेस के सारे करेक्टरिस्टिक को याद रखना बड़ा टफ होता है। उसका एक इजी मेथड ये है कि आप इसकी एज लिमिटेशंस को देख लीजिए और उस एज लिमिटेशन से रिगार्डिंग कोई भी बच्चा जो आपके आसपास है उसे अपने दिमाग में रखिए और फिर देखिए वो कैसे करता है, ठीक है? तो देखिए इस स्टेज में जो बच्चा है वो क्या करता है। चाइल्ड स्टार्ट इमेजिनेशन। 2 से 7 साल का बच्चा इमेजिनेशन स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल कर देता है, ठीक है? कैसे कर देता है कि ये मेरे डॉल है, ये मेरे स्टार है, इस तरह से वो इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है। चाइल्ड थिंकिंग इरेशनल। इरेशनल सोचता है, वो कुछ भी बात सोचता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तुक नहीं होता, बस वो उस चीज को सोचता है। उसे ये नहीं होता कि क्या गलत है और क्या सही है, वो नहीं चीज कर पाता, ठीक है ना? जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बच्चे हैं छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है? वो ये चीज नहीं सोचेंगे कि हम छत से गिर भी सकते हैं, उनको सिर्फ अपना मजा चाहिए। वो इरेशनली इस चीज को सोच रहे हैं, वो तर्क भी तर्क नहीं कर पाते कि इस पतंग को हम इतनी अगर केयरलेसली उड़ा रहे हैं तो इसका हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट हो सकता है। थर्ड, स्कूल गोइंग एज। ये सभी को मालूम है कि 2 से 7 साल के बीच में बच्चा स्कूल जाना जो है स्टार्ट कर देता है। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका क्या है? इसका बड़ा एक अच्छा एग्जांपल, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अब बच्चे को, आप किसी बच्चे को प्लस के लिए एक सम दो कि 2 + 7 को करके दिखाओ, तो वो 2 लाइंस लगा के आगे 7 लाइंस लगा के 9 कर देगा। बट सिमिलरली आप उससे अगर ये पूछो कि 7 + 2 कितना होता है, अगर आप उसको करने को दोगे तो वो कर देगा लाइंस लगा के, बट ओरली आप उससे पूछोगे कि अगर 2 + 7 = 9 होता तो 7 + 2 कितना होता है, तो उस जो रिप्लाई को है वो देने में बिल्कुल भी जो है असफल होगा। तो इसलिए उनमें क्या होगी, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि एज 2 to 7 years है, बच्चा अभी बड़ा नहीं है, बच्चा छोटा है। आगे, लिविंग इन फेरी टेल वर्ल्ड। बच्चा किसमें रहता है? जादू दुनिया में रहता है, राजा रानी की कहानियों में, गुड्डा गुड़ियों की कहानियों में रहता है। आपने बच्चों को देखा भी होगा, बच्चे अपनी गुड़ियाओं को कैसे परियों की तरह सजाते हैं, है ना? तो
इस तरह से वो एक फेरी टेल वर्ड में रहता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, एक वर्ड वर्ल्ड आएगा यहाँ पे, वर्ड लिख दिया बाय मिस्टेक। एनिमिज्म, ये इस पे स्टार लगा लो, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एक ये एंड एक ये और ये एस टेट के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, कि बच्चों में जो एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि एक बच्चा जो है किसी चीज को अपना, एक गुड्डा या गुड़िया है उसको अपना भाई बहन मान रहा है, तो उसमें क्या ये कौन सा गुण है, तो ये एक एनिमिज्म का गुण है। एनिमिज्म में क्या होता है, बच्चा जो है किसी भी निर्जीव चीज होती है उसको अपना संजीव चीज मानता है। आपने कई बच्चे देखे होंगे जो रात को टेडी बियर लेके सोते हैं, वो उसको क्या मानते हैं, अपना फ्रेंड मानते हैं, अपना भाई या कुछ भी ऐसे मानते हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उनमें एनिमिज्म है, मतलब वो एक निर्जीव वस्तु को संजीव मानते हैं। बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो टेडी बियर लेके सोते हैं। उसके बाद ईगो सेंट्रिक एज, ईगो सेंट्रिक एज क्या है, इसमें बच्चे सोचते हैं हम ही राइट है, उनको ऐसे लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हम नहीं। जैसे इसका एक बड़ा एग्जांपल है, आप कई बार देखेंगे आप बस में जा रहे होते हैं छोटे बच्चे, तो उनको लगता है कि जो पेड़ है वो हमारे साथ घूम रहे हैं, ठीक है ना, भी हम जैसे बस तेज तेज चल रही है ऐसे ही पेड़ भी तेज तेज चल रहे हैं, तो वो एक ईगो सेंट्रिक एज के अंदर आता है। तो ये मैंने आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको आज बता दिए। इससे नेक्स्ट मैं जो है थर्ड स्टेज कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज डिस्कस करूंगी। ओके, तो यस, अब जीन पियाजेट की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज है, वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज जो है 7 to 11 इयर्स है। तो इससे अब इसलिए यहाँ पे हिंदी में मूर्त रखा है, मूर्त यानी हम जिन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, जिन चीजों को हम देख के उस पर विचार कर सकते हैं उसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसकी एज लिमिटेशन जो 7 to 11 इयर्स रहेगी। फिर से 7 से 11 वर्ष का बालक या बालिका सोचना स्टार्ट करो अपने आस पास का, उनके अंदर आपको क्या जो चेंजेस होंगे वो देखने को मिलेंगे वो आप बताओगे। इसके अंदर इस स्टेज की जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, चाइल्ड थिंक लॉजिकली, बच्चा लॉजिकली जो है सोचना शुरू कर देता है कि अगर ये है तो ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है, तो ये चीज वो इस एज में आके सोचना शुरू कर देता है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी वो किसी भी चीज को जोड़ना इकट्ठा करना इसके अंदर बच्चे को आ जाता है। एनालॉजी यानी समानता, वो समानता को सीख जाता है, ठीक है, कि सभी समान हैं और कौन, एक एनिमल, एक बर्ड और एक इंसान, तीनों में वो फर्क करना समझ जाता है। रिवर्सिबिलिटी स्टेज, ये पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबिलिटी स्टेज इट मींस क्या है, कि बच्चे से अगर पूछो 2 + 7 = 9 है और 7 + 2 कितना है, तो वो ये चीज दोनों बता पाता है कि 2 + 7 = 9 है, तो 7 + 2 = 9 है, ठीक है। सीरिएशन, अब सीरिएशन में क्या होता है, वो हर चीज को सीरियल वाइज करना स्टार्ट कर देता है, 1 2 3 4 इस तरह से वो सीरियल वाइज चीजों को करना सीख जाता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग, अब वो चीजों को कॉन्क्रीट चीजों को अगर वो अब क्या करता है, कोई भी चीज मान लो वो जा रहा है कहीं, उसने कोई चीज देखी तो उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा कि ये चीज क्या है, कैसे बनी होगी, कहाँ से आई होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी थर्ड स्टेज डिस्कस कर दी, अब इसके बाद मैं आपको इसकी लास्ट स्टेज जो है डिस्कस करूंगी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब हम जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज डिस्कस करेंगे, जो है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज क्या है, 11 to 15 इयर्स। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट, आपने इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा होगा, जिसे हम फील कर सकते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही है कि इसके अंदर जो बच्चों के अंदर जो गुण विकसित होते हैं वो महसूस करने के ज्यादा होते हैं, वो चीजों को महसूस कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो है उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो इस स्टेज की जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप,
बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप करता है, मतलब चीजों को जानना शुरू कर देता है, जो भी उसे चीज दिखती है उसके बारे में डीपली उस चीज को सोचना स्टार्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चे अब उस चीज के गुण दोषों को भी डिस्कस करते हैं कि अगर ये चीज, फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कोई चीज खरीदना चाह रहा है, कोई लैपटॉप खरीदना चाह रहा है या कोई भी चीज खरीदना चाह रहा है, तो वो उस चीज में आप डिस्कस करेगा कि उसके क्या फीचर्स है, मुझे इससे क्या फायदा मिल रहा है। तो बच्चों में ये जो चीज है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के अंदर, बिल्कुल बच्चे कॉम्पिटिशन की जो इसके अंदर भावना स्टार्ट हो जाती है कि बच्चे मेंटली यही सोचते हैं मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे इस चीज पे अपनी हार्डवर्क करना है। तो बच्चों में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, बच्चे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग स्टार्ट होती है अगर कोई, जैसे बच्चा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई बच्चा है उसके पास बड़ा सुंदर सा रजिस्टर है, बड़ा छोटा सा, बड़ा इजी एग्जांपल देती हूँ, बहुत सुंदर रजिस्टर है, पार्टीशन वाला रजिस्टर। इस थिंकिंग को मैं खुद महसूस कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि क्या हुआ, एक बार एक पार्टीशन वाला रजिस्टर आया, वो आपको भी पता होगा स्पाइरल बाइंडिंग वाला। तो उसमें क्या होता है, हमने एक बच्चे के पास देखा तो हम उससे रिफ्लेक्ट होके हम भी लेके आते हैं वो चीज, ठीक है। तो इसमें बच्चा रिफ्लेक्ट होता है दूसरों से, अगर वो कोई चीज देख ले दूसरे की और वो उसको अच्छा लगे तो वो उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये थी जीन पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस, सॉरी यहां पे फोर कर लीजिएगा, सारी स्टेजेस। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको ये एसटेट सीटेट एनी अदर टाइप ऑफ टेट एग्जाम वेरी यूजफुल रहेगी। अब मैं आपको, जो भी बच्चा इंग्लिश की एनसीईआरटी के पोएट या राइटर्स के नाम बड़े ही इजी ट्रिक से सीखना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 के जो पोएट या राइटर है लेसन्स के वो कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको, जब वो राइटर्स अप टू 10th तक पूरे हो जाएंगे, तो मैं आपको उसमें 6th क्लास की बुक में जो भी लेसन्स में मेजर मेजर पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो कराऊंगी। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और आपको जो है एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको आने वाले इस टाइम में टीचर बनना है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।